Magnificent pink city of India, Jaipur, an ideal tourist spot, is now the most popular spot for medical tourism. Worldwide tourists enjoy the cultural heritage of Rajasthan and at the same time they avail the high standard medical treatments at an affordable price. ALCS is now a hub for international patients where, along with many cosmetic surgeries, ट्रांस प्लांट इज डन अंडर नाम सोनीर वेरा मैं बाई प्रोफेशन एक, एक एक्टर हूँ टीवी फिल्म एक्टर आप बोल सकते हैं मुंबई से आया हूँ जयपुर ए एल सी एस में डॉक्टर सुनील अरोड़ा जिसे मिलने जो के सर्जन हैं और मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे मेरे बाल जा रहे हैं और हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है मुझे तो इसी सिलसिले में मैं जयपुर आया हूँ मैं टी वी एक्टर हूँ और काफ़ी साल से टेलीविज़न और फिल्मों में काम कर रहा हूँ मेरी शुरुआत हुई थी राजू श्रीवास्तव जी के साथ मेरे जो शोज़ थे वो बहुत ही फेमस हुए थे गजोधर की दुनिया और राजू की अदालत कोई गेस्ट बाथरूम से नहा के निकला उसकी टावल सर से खींची और खर खर्र से आपको दी और इसके अलावा मैंने सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल में एज अ विलन बहुत सारा काम किया है और एक मेरा कैरेक्टर बहुत ही फेमस हुआ था जो शो था तारक मेहता का उल्टा चश्मा जिसमें मैंने सेटिंग भाई का कैरेक्टर किया था वो देखो वो आगे सेटिंग में। तो मैं आया हूँ जयपुर अभी बस पहुँचा हूँ अभी डॉक्टर साहब से मीटिंग है दो मिनट में उसके बाद मेरा प्रोसीजर शुरू होगा तो मैं आपसे इसके बाद कल बात करूँगा ठीक है धन्यवाद नमस्कार मैं सोनीर वडेरा एक बार फिर से आपके सामने मैं दो दिन पहले यहाँ आया था ए में जयपुर में मुंबई से अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बिकॉज़ मेरे क्या था मेरे राइट साइड में और थोड़ा सा आगे ना थोड़ा गैप आ गया था बल्डनेस नहीं बोल सकते बट वो धीरे धीरे बाल झड़ना शुरू हो रहे थे थोड़े कम हो रहे थे जिसकी वजह से मुझे शूटिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी क्योंकि एक्टर हूँ तो चेहरा ही दिखता है और बाल अगर नहीं रहेंगे तो स्क्रीन पे बहुत गंदा लगता था और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता उस चीज़ को लेके तो आ, मुझे जब यहाँ के बारे में पता चला डॉक्टर सुनील अरोड़ा जी के बारे में तो मैं बॉम्बे से जयपुर उनसे मिलने के लिए आया डॉक्टर साहब से मिलने के बाद मेरी उनसे आई थिंक आधा पौना घंटा बात हुई होगी काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे एक तो ये था कि हेयर ट्रांसप्लांट करते कैसे हैं और मेन ये था कि हेयर लाइन कैसी आएगी वो नेचुरल लगेगी या नहीं लगेगी कितने बाल लगेंगे क्या है और उसके पहले मुझे बहुत सारा डर था मेरे एक फ्रेंड हैं हमारे फिल्मी एक्टर हैं दबंग टू वन थ्री सब में आ चुके हैं वो प्रदीप जी तो उनसे मेरी डिस्कशन हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि आप डॉक्टर सुनील अरोड़ा जी के पास जाओ बहुत कंफर्टेबल करते हैं बहुत आराम से समझाएंगे आपको आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे तो मैंने उनसे बात की तो मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए सुवीर को अभी हमने एग्जामिन किया है जस्ट तो जो प्रॉब्लम बेसिकली है वो बॉल्डनेस से ज़्यादा इस चीज़ की है कि हेयर लाइन इल डिफाइंड है और जो फ्रंटल टफ्ट का एरिया है उसमें डेंसिटी कम है और डोनर एरिया सुवीर आपका काफ़ी अच्छा है तो जो हम प्लान कर रहे हैं वो यही है कि एफ करके नियर अबाउट टू के आसपास ग्राफ्ट हम एक्सट्रैक्ट करके हाई डेंसिटी से आपका पूरा हेयर लाइन और टेम्पल रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे और जो फ्रंटल टफ्ट है जिसके अंदर की डेंसिटी काफी कम हो गई है उसको पूरा अच्छे से हाईली डेंस कर देंगे सो so दैट आप अपना अगेन यूथफुल लुक जो है पहले वाला विद अ वेल डिफाइंड हेयरलाइन नेचुरल हेयर लाइन आप अचीव कर लें मतलब वापस से जवान हो जाऊंगा। डॉक्टर साहब से मिलने के बाद मुझे उन्होंने ये बताया कि जो हेयर ट्रांसप्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हेयरलाइन क्योंकि उसी से आपका नेचुरल एक जो लुक आता ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैंने उनसे वही पूछा कि हेयर लाइन किस तरीके से करेंगे बिकॉज़ कईयों का यहाँ से शुरू होते हैं बाल कईयों के वहाँ से फिर ये एक एंगल आता है तो मुझे उन्होंने बताया कि जैसा आपका था वैसा का वैसा ही रहेगा तो उस वजह से मेरी जो है आधी से ज़्यादा टेंशन दूर हो गई तो हेयर लाइन एकदम प्रॉपर दिया उन्होंने और जब बाल आने शुरू होंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने ट्रांसप्लांट करवाया है अब शुरू हुआ ट्रीटमेंट का नंबर चला तो गया अंदर ऑपरेशन थिएटर में लेकिन वहाँ जब लेटा तो वही दोस्तों की बातें दिमाग में घूम रही थी कि कट मारते हैं पीछे आ, बालों के पीछे इधर से बाल निकालते हैं बहुत पेनफुल रहता है और जब आगे एडजस्ट करेंगे उसको तब भी बहुत दर्द होगा तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी मुझे दर्द हुआ लेकिन वो जो दर्द हुआ ना वो एनिस्थीसिया जब लगाते हैं आपको सुन करने के लिए एरिया तो वो इतना सा हुआ आई थिंक मुश्किल से 10 से 15 सेकंड बस उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला और डॉक्टर साहब ने इतना कंफर्टेबल कर दिया मुझे मेरे से बातें कर रहे थे मेरे एक्सपीरियंस पूछ रहे थे आ, मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछ रहे थे ताकि मेरा ध्यान उस तरफ जाए ही ना मेरे से इतनी बातें की मुझे इतना कम्फर्टेबल कर दिया कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो चार पाँच घंटे कैसे निकल गए बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा सुनील का हमने हेयर ट्रांसप्लांट जो कल किया है उनका बेसिक जो कंसर्न था या बेसिक इशू जो था वो ये था कि हेयर लाइन वॉज नॉट वेल डिफाइंड एंड जो फ्रंटल टफ था बालों का वो कम था तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो एक जिसे कहते हैं एज फैक्टर ज्यादा लगता था तो हमने उनके केस में वही हेयर लाइन रिकन्स्ट्रक्ट किया है पूरा एम पैटर्न देते हुए दोनों टेम्पोरल ट्राइंगल्स रिकन्स्ट्रक्ट किए हैं और जो फ्रंटल एरिया है जहाँ पर कि डेंसिटी वीक हो गई थी वहाँ पे हमने डेंसिटी बढ़ाई है तो इस ऑपरेशन के बाद मेन पॉइंट होता है हेड वॉश का तो आज मुझे हेड वॉश के लिए बुलाया है हेड वॉश करूँगा उसके बाद थोड़ा बहुत जयपुर घूमूंगा यहाँ की बहुत सारी चीज़ें मैंने सुना है और उसके बाद डायरेक्ट मुंबई और आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भी करवाना है ट्रांसप्लांट अगर आपको थोड़ा बहुत डर लगता है तो मेरी बात पर यकीन कीजिए कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है आप जयपुर आइए ए में डॉक्टर सुनील अरोड़ा जो कि सर्जन है टॉप के सर्जन है बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं उनको आप उनसे बेझिझक बात कर सकते हैं आप अपना डिस्कशन कर सकते हैं और आपके मन में जो भी सवाल हैं, जिस चीज़ के बारे में भी कितना डर लगता है कैसा होगा वो सब आपको बताएंगे, आपको इतना कम्फर्टेबल कर देंगे आपको ऐसा लगेगा कि अभी के अभी करवा लो, जैसा कि मैंने किया उनसे बात की और तुरंत के तुरंत हेयर ट्रांसप्लान करवाया आज हेड वॉश है अभी सब नॉर्मल हो जाएगा और आप सब लोगों को मैं, और मैं इस टीम को इनकी डॉक्टर साहब की टीम को जो इनके साथ के जो सर्जन हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि इतना अच्छे से उन्होंने किया मज़ा आ गया थैंक यू